अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं तलीम.com। दोस्तों एक दोस्त थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इन पेज में टैब सेटिंग कैसे करते हैं, तो मैं टैब सेटिंग के साथ साथ आपको पोएट्री सेटिंग भी, क्योंकि वो भी काफ़ी लिहाज से इसके साथ मिलती जुलती है और अक्सर लोग उसमें भी परेशान होते हैं, तो दोस्त मैं आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया। और आप जैसे जो लोग होते हैं वो हौसला बढ़ा देते हैं सच में, जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनका। तो दोस्त ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको, कंप्लीट टैब सेटिंग की और पोएट्री सेटिंग का बताऊंगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको किसी भी दूसरे चैनल का जाके ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों मैं प्रोफेशनल हूँ, असल में मेरा काम ही बुक से रिलेटेड है, हम बुक्स बनाते हैं, एक पब्लिशर्स के पास भी मैं जॉब करता हूँ इस काम के साथ साथ, तो इस वजह से मैं इस चीज़ में थोड़ा एक्सपर्ट हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको मेथड बताता हूँ कि कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए आप टैब्स को यूज़ करते हो। तो हम फाइल ओपन करेंगे, न्यू फाइल और ओके। तो दोस्तों ये मेरे पास एक नई फाइल खुल गई है। तो पहले हम दोस्तों दो मेथड हैं टैब्स के, तो पहला जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बताने मैंने दोनों मेथड हैं, लेकिन मैं आपको मतलब आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड जो है जो सेकंड मेथड है उसको यूज़ करो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो प्रोफेशनल है, मतलब आपका साइज़ हमेशा परफेक्ट रहेगा, और दूसरा आपकी फाइल में एरर कोई नहीं आएगा, और तीसरे नंबर पे वो इस पहले वाले मेथड से बेहतर है। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप जाओ, आप मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने लिख लिया है, मेरा नाम आसिफ है, क्योंकि आपको समझाना है मैं कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ तकरीबन। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने ये लिख लिया। अब मैं इस फाइल का साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से बढ़ाते हैं तो कंट्रोल प्लस F12 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका, इस टाइम 100 है, 100% साइज़ है, लेकिन मैं 100% से बढ़ा के तकरीबन 150% कर देता हूँ ताकि ज़रा और क्लियर हो जाए। तो देखें अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा नाम आसिफ है, मैं इस पे टैब देना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो मैं एक जो पहले वाला मेथड है उसमें मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, और यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है, कोई फोर्थ फाइफ्थ ऑप्शन है टैब्स, इस पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें इसने मुझे शो कर दिया कि मैं जहाँ पे भी टैब देना चाह रहा हूँ मैं दे लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे टैब देना चाह रहा हूँ अपने फिक्रे के एंड पे, तो यहाँ पे देखें एक टैब आ गई। अगर उसके बाद मैं यहाँ पे टैब देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एक टैब आ गई। अगर मैं यहाँ पे टैब देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एक टैब आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से वापस जाऊँगा फॉर्मेट में और टैब को क्लोज कर दूंगा, ओके। तो दोस्तों ये देखें अब मैं जहाँ जहाँ पे टैब दे चुका हूँ ये वहाँ वहाँ पे मतलब वहीं वहीं पे ये घूमेगा। तो देखें मैंने यहाँ पे एक टैब दी, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक टैब दी थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं यही लिख देता हूँ। कुछ इस तरह से ओके। मैं अब नीचे जाता हूँ निचली लाइन पे और एक लाइन और। अब मैं यहाँ पे अपनी टैब्स को चेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब इसी मेथड से अगर मैं अगले पेज पे जाकर अपनी टैब्स को इस लिहाज से नहीं रखना चाह रहा, या मेरी सेटिंग कुछ इस तरह की आ गई है कि मैं अपने टैब्स को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो वैसे कैसे करूँगा? तो उसके लिए फिर से मुझे टैब्स में जाना पड़ेगा, टैब्स, और ये देखें पहले वाली मेरी टैब्स लगी रहेंगी, लेकिन मैं वहाँ पर नई टैब्स को लगा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके। तो ये मैंने टैब्स लगा दी, ओके। अब मैं फिर से फॉर्मेट में जाऊंगा और टैब्स को मतलब इसको ख़त्म कर दूंगा। इसकी शॉर्ट की अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी, ओके। मैं टैब्स को क्लोज करता हूं, और अभी अगर मैं यहां पे कुछ अपना पेस्ट करता हूं तो ये देखें ये वहीं पे पेस्ट करेगा। अगर दोस्तों अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर तो कोई आप अपना मतलब आपका कोई छोटा मोटा काम है जिसके लिए आप टैब्स को यूज़ करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल तौर पे या एक बुक को बनाने में यूज़ करना है टैब्स को, तो वो आप दूसरे में ही करोगे, ओके। तो ये देखें यहाँ पे ये जो मेरी टैब सेलेक्टेड थी वहीं पे वो आ गया। अगर अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे टैब दी है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन अवेलेबल है फॉर्मेट, और यहाँ पे देखें आप
सॉरी फॉर्मेट में नहीं, व्यू में आएंगे और शो इनविजिबल्स, ओके शो इनविजिबल्स पे आएंगे। तो ये देखें, जहां जहां पे मेरी टैब लगी है वहां वहां पे ये एक एरो का निशान दे रहा है। तो ये देखें, यहां पे मेरे दो टैब्स हैं और फिर मेरा यहां पे आया, फिर यहां से यहां तक मेरा एक टैब है। तो इस तरह से ये टैब्स को शो करेगा। तो दोस्तों ये था पहला मेथड जो कि आप अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो है ये ओरिजिनल नहीं है, आपको ये यूज नहीं करना चाहिए। तो दूसरा जो मेथड आता है, दूसरा मेथड इस तरह से है कि इसको आप खत्म कर दो। जो दूसरा मेथड है दोस्तों वो प्योर है, 100% है, और उसमें आप बहुत सी और ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो, बहुत सी दूसरी सेटिंग्स को भी कर सकते हो। तो वो आई थिंक सो कि वो ज्यादा बेटर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ फिर से। मेरा नाम आसिफ है, ओके मैंने ये अपना नाम लिख दिया है। अब मैं इसकी कंप्लीट सेटिंग करूँगा। तो शुरू में मैं एक डाल देता हूँ अलिफ, ओके दोस्तों अब मैंने ये देखें, ये एक मैंने फिकरा लिख दिया है, मेरा नाम आसिफ है, और मैंने यहाँ पे एक टैब डाल दिया। तो यहाँ पे एक टैब डाल दिया है और मैंने एक फिकरा पूरा कंप्लीट लिख दिया है। अब मैं आपको इस फिकरे की डिफरेंट तरीकों से सेटिंग करके दिखाऊंगा और आपको टैब की सेटिंग भी इसमें समझाऊंगा। तो हम चलेंगे कंट्रोल जी में, कंट्रोल जी में जाएंगे। तो ये देखें, ये 0.mm है, मतलब ये मिलीमीटर्स में शो कर रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये इंचीज में शो करे। तो इंचीज में कैसे शो करते हैं मैं ये भी आपको बताता हूँ। इसको क्लोज कर देंगे आप और कंट्रोल प्लस F11 प्रेस करेंगे। तो ये देखें, ये सबसे जो पहली ऑप्शन आ रही है मिलीमीटर्स, इसको आपने क्या करना है, इंचीज में कर देना है और ओके कर देना है। तो ये अब इंचीज में आएगा। अब मैं दोबारा से कंट्रोल जी करूंगा, तो ये देखें, ये हमारी सेटिंग अब इंचीज में आ चुकी है। तो ये देखें, ये जो मेरा फर्स्ट मतलब मैंने दिया हुआ है, ये 0.5 इंच है, 0.5 इंच है, मतलब इसकी जो लंबाई आप कह सकते हो कि 0.5 इंच है। तो अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ कि 0.3, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो टैब है पहली वो 0 पॉइंट, या कोई भी हर टैब मेरी जो है 0.3 हो। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 0.3 करूँगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों जगह पे बदलने पड़ेंगे, अगर आप एक जगह पे बदलोगे तो वो मतलब उस पर कोई रद्द अमल शो नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे भी 0.3 कर दिया और यहाँ पे भी 0.3 कर दिया। तो ये देखें, इसने ये शुरू में टैब छोड़ दी है 0.3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसने जो टैब छोड़ी है वो 0.3 है, और ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ से आगे जाता हूँ तो ये 0.3 ही छोड़ेगा। अगर मैं इस टैब को अब बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल जी में जाऊँगा और यहाँ पे देखें, ये 0.3 है, इसको मैं कर दूंगा 0.0, मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.5 और यहाँ पे भी कर दूंगा 0.5। तो ये देखें, जो अब मेरी फर्स्ट लाइन है उसमें टैब ज्यादा है, ठीक है, ऊपर 0.3 है लेकिन नीचे 0.5 है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत कारामंद साबित होगी इंशाल्लाह। तो देखें, अब मैं चाह रहा हूं, दोस्तों अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा फिक्रा शुरू में जुड़े और मेरी ये लाइन जो है वो इसके हिसाब से बराबर हो, मतलब मेरी दोनों लाइन जैसे हम बुलेट्स बनाते हैं वर्ड में, उसी तरह से मेरी दोनों अगली वाली लाइंस बराबर हों और जो इसमें टैब का फासला हो वो हो 0.5। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर से कंट्रोल जी में जाऊँगा और ये देखें, यहाँ पे मैं 0.3 को ख़त्म कर दूंगा इस तरह से, इसको जीरो कर दूंगा। तो ये देखें, ये शुरू में मिल गया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरी ये दोनों लाइंस बराबर आए, मतलब ये जो लाइन है ये भी इसके साथ यहाँ पे बराबर आए, मतलब मैं एक कोई आप बुलेट्स आप या किसी को जैसे हम बुलेट्स बनाते हैं वर्ड में तो वो लाइंस बराबर आती हैं, जैसे मैं आपको आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने कंट्रोल जी
और यहाँ पे आपने शुरू में 0.5, ठीक है, 0.5 इंचीज, और यहाँ पे आपने करना है माइनस 0.5। दोस्तों ये एक टेक्निक है, अगर आप दोनों अपनी लाइंस को पहली लाइंस मतलब देखें, मैं आपको पहले करके बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने 0.5 किया और यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे माइनस 0.5 किया, तो जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें इन दोनों लाइनों में मतलब ये जो मेरा फिक्रा है बिल्कुल बराबर हो गया। सो ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका है। पोएट्री सेटिंग आप कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों पोएट्री सेटिंग अगर आप पोएट्री लिखना चाह रहे हो इन पेज में, तो उसकी सेटिंग कैसे करोगे, जैसे दो शेर मैं लिख देता हूँ, जैसे एक शेर मैंने ये लिख दिया और आप लगा लो कि यहाँ पर एक और मैंने शेर लिख दिया, तो अब मैं इसके इनविजिबल्स ख़त्म कर देता हूँ, इनविजिबल्स हाइट इनविजिबल्स ओके। अब मैं इसको एक पोएट्री में तब्दील करना चाह रहा हूँ, तो आपने फिर से कंट्रोल जी में जाना है और इसकी जो सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है इसको कर देना है जस्टिफोर्स जस्टिफाई। उसके बाद आप देख लें आप जितनी मतलब अगर आप जितनी भी शुरू में देना चाह रहे हो, जैसे मैं 1% कर देता हूँ कि मतलब 1% जो है इंच जो है वो मेरे शुरू में वक्फ़ा रहे, और इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी 1 ही कर देता हूँ, इंच वक्फ़ा रहे, और इसको मैं अब 0 कर दूंगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखें ये एक पोइट्री की सूरत में आ गया है। दोस्तों इसमें कोई भी आप डिफरेंट कर सकते हो, अगर मैं इसमें मतलब इसको इसको और ज़्यादा क्लोज करना चाह रहा हूँ, मतलब और ज़्यादा सेंटर्स में खींचना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल जी करूँगा और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 कर दूंगा, और ये देखें ओके करने पर ये देखें ये इस तरह से आ गया। अगर मैं अब करना चाह रहा हूँ कि ये वाला शेर जो है ये ज़रा पीछे आ जाए और ये ज़रा आगे चला जाए, तो इनकी सेटिंग मुझे अलग से करनी पड़ेगी। मैं कंट्रोल जी करूँगा और इसको 1 कर दूँगा और इसको 3 कर दूँगा, तो ये देखें ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे जाके मैं अगर इसकी सेटिंग चेंज करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल जी करूँगा, ठीक है, अब मैं एंड पे जो है वहाँ पे 1 कर दूँगा और जो शुरू में है वो 3 कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, तो ये देखें ये इस तरह की शेप में आ गया। तो दोस्तों मतलब आप हर तरह की सेटिंग कर सकते हो, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो इन चीज़ों को सीखने के लिए, तो आप इंशाल्लाह फुल कामयाब हो जाते हो। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप टैब सेटिंग कर सकते हो, दो मेथड भी बताए, आई थिंक सो सेकंड मेथड बेहतर है, उसमें आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा क्योंकि वो ज़रा प्रैक्टिकल करने से आएगा, जो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सा काम करते हो तो आप फर्स्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो तो सेकेंड मैथड बेहतर है, उसमें इन पेज में एरर भी नहीं आता। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो इन पेज के हवाले से या किसी दूसरे हवाले से, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।